दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है बल्कि एक सच्ची घटना है। ठंड का मौसम था, सुबह का समय था, ठंड भी अपनी चरम सीमा पर थी। मैं आज जब सुबह कॉलेज जा रहा था तो मैंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो कि ठंड से ठिठुर रहा था और रोड के किनारे कांप रहा था। उस बूढ़े आदमी की आंखों में सिर्फ आंसू ही थे, न पहनने के लिए कपड़े, न कंबल और न और कुछ उसके पास था। मैं वहाँ थोड़ी देर रुका और उस आदमी से उसके इस हालत के बारे में पूछा तो उसके जवाब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गया और मैंने वहाँ से कॉलेज जाने का फैसला किया। उस बूढ़े आदमी की बातों में एक कविता झलक रही थी, उसे मैं आपको सुनाना चाहूँगा। आज फिर से इंसानियत को मरते देखा है, जब एक बूढ़े बाप को ठंड में ठिठुरते देखा है। न जाने कैसे छोड़ देते हैं लोग अपने माँ बाप को, आज फिर एक जिंदगी को बेदर्दी से मरते देखा है। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर एक चाहत थी, इतनी मुश्किल में भी उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। बहुत बुरा लग रहा था मुझे, ना जाने क्यों मन में एक बेचैनी थी। मेरे पास कुछ भी नहीं था देने को, लेकिन फिर भी उसको कुछ भेंट देनी थी। आखिरकार मैंने उससे पूछ लिया, बाबा तू यहाँ इतनी ठंड में क्यों लेटा है, अपने घर क्यों नहीं जाता। उसके आंसुओं में सब कुछ बयां कर दिया। वह बोला, बेटा तेरे जैसे ही मेरा भी एक बेटा था जिसको मैंने पलकों पर बिठाया था। प्यार तो खुद से भी ज़्यादा किया था उसको, क्योंकि उसके ऊपर उठा उसकी माँ का साया था। मैं बाप होकर उसको एक माँ का प्यार भी दिया। शायद कुछ इस कारण से उसने मुझे आज घर से निकाल दिया। ना सोचा था मैंने कि कभी ऐसी भी घड़ी आएगी, जो बेटी अपने माँ बाप से दूर आई है आज वो ही मुझे घर से निकलवाएगी। मैंने बेटे को बहुत समझाया, अपने किए पर हर प्यार को बताया, पर बेटे के मन में जैसे एक अंधकार सा छाया था। वो भी अपनी पत्नी की बातों में आकर अपने बाप पर जुल्म ढाया था। जिस बाप ने बेटे के लिए अपनी सारी खुशियां त्याग दी थी, आज वो जैसे हुआ कोई पराया था। बस इतनी सी मेरी कहानी है, जिस रोड पर पड़ा हूँ मैं, जिस बेटे को हर एक सुख दिया, आज उसी की वजह से इस मोड़ पर खड़ा हूँ मैं। बेटे, एक बात तुमको भी बताता हूँ, तू बहुत प्यार करना अपने माँ बाप को, पर इस मोड़ पर मत छोड़ना कभी। त्याग देते हैं माँ बाप अपनी सारी खुशियों को जिससे बेटे को कोई दुख ना हो कभी। मैंने भी बहुत प्यार किया था अपने बेटे को, पर आज कुछ इस कदर बहाया गया हूँ। पर तू कभी न छोड़ना अपने माँ बाप का साथ, आज जिस तरह से मैं ठुकराया गया हूँ। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति रोने लगा, अपने बचे हुए जीवन को रोकर ही खोने लगा। फिर मैं भी वहाँ से चला गया, उसका दर्द मुझको भी रुला गया। इतनी समझ तो नहीं है मुझ में, कहीं मैं समझाऊँ, पर फिर भी एक बात कहना चाहता हूँ हर बेटे को, मत छोड़ कर कभी उस माँ बाप को बेसहारा जिसने तेरे लिए हर सुख को खोया है। माँ बाप तो वह सूरज है जिसने खुद आग में जलकर तेरे जीवन के अंधकार को धोया है।